सामने हो ना, चले रेडी एवरीबॉडी, हो जाने दो, सब रेडी या रेडी। राखी सावंत जी, आप एक लीगल ट्रबल में हैं, आपके जो कमेंट्स हैं सेज वाल्मीकि के ऊपर, और खबर थी कि पंजाब की पुलिस आपको ढूंढते आई थी पर आपको ढूंढ नहीं पाई, तो कितनी सच्चाई है इस बात में और आप कैसे क्लैरिफाई करें? देखिए, मुझे मीडिया से पता चला है कि मैं अरेस्ट हो गई हूँ और मेरे खिलाफ कोई केस है और मेरा वारंट निकला है। मुझे बिल्कुल भी नहीं कुछ पता कि मेरे खिलाफ़ कोई केस है या कोई वारंट निकला है या पंजाब की पुलिस या फिर 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं खुद शौक हूँ, मुझे खुद नहीं पता। मेरे घर कोई पुलिस नहीं आई, ना मुझे कोई वारंट मिला है, ना कोई पर्चा मिला है, ना कोई समन मिला है, ना मुझे पता भी नहीं कि मेरे खिलाफ़ कोई केस है। आपने कुछ कमेंट किया था, एक वो एक कॉन्टेक्स्ट में था आपके एक फ्रेंड को बचाने के लिए, ऑफ कोर्स द ग्रेट सिंगर, तो अब कहीं आपको रिग्रेट होता है कि आपने जो कमेंट किया वो नहीं करना था, क्योंकि अब ये एक लीगल इशू हो गया है, बात बहुत आगे बढ़ गई है? नहीं, मिका जी को बचाने के लिए, इज माई फ्रेंड, और उनको बचाने के लिए गए साल उनके घर में कोई लड़की घुस गई थी, आई डोंट नो सम मॉडल और समथिंग, आई डोंट नो, अब्यूज़ कर रही थी, तो उनके से उन पर एलिगेशन लगा रही थी, तो उनका मुझे कॉल आया था कि राखी आप देखिए मेरे पे ऐसे मेरे घर में ये इंसिडेंस हुआ है, मुझ पे उन्होंने केस कर दिया है, तुम्हारा मेरा इंसिडेंस हुआ था, तभी कोई भी लड़की ऐसे मुंह उठा के आती है और मुझ पे केस कर देती है, तो तुमने मुझे देखा है कि मैं आई एम नॉट लाइक जैसे वो पहले थे, अब वो नहीं है। मैं भी कह रही हूँ जैसे वो पहले थे, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था जैसे उन्होंने किया था, तो वैसे वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, उनमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज बन गए, बहुत अच्छे अच्छे गाने उनके हिट हुए, इज अ नंबर वन सिंगर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रेस बुला के, उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप प्रेस बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो बिहाफ ऑफ हिम। मैं उनको बचाने गई और मैं फंस गई, यू नो, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने उस वक्त भी रिग्रेट नहीं था, आज भी रिग्रेट नहीं है, और मैं कोई गिल्टी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ यही बोला कि पहले इंसान बुरा होता है, मतलब कुछ गलत हो जाता है, लेकिन जब उन्हें अक्ल आ जाती है या उन्हें पता चल जाता है कि ही वॉज रॉन्ग, तो यू नो कहने का मतलब था, मैंने उनको बिल्कुल मतलब ये भगवान वाल्मीकि जी के बारे में मैंने एक उदाहरण दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था, जो बचपन से मैं किताबों में पढ़ती आ रही हूँ। भाई साहब, मैं बचपन से किताबों में पढ़ती आ रही हूँ, किताबों में मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, बहुत ही प्यारी स्टोरी थी भगवान वाल्मीकि जी के बारे में। सिर्फ मैंने अकेले नहीं, और मैंने मेरे घर में कोई प्रिंट मशीन नहीं है जो मैंने छापी हो कोई स्टोरी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि जिन्होंने रामायण लिखी, भगवान वाल्मीकि जी, उनकी लाइफ में क्या हुआ था, कैसे वो जंगल में जाते थे, कुछ अगेन आई डोंट टू रिपीट दिस वर्ड, कि कुछ कैसे डकैत में थे, या फिर कैसे एक दिन उनको भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि वाल्मीकि भगवान जी को कहा कि क्या आप ये सारी डकैत करते हो, ये सारी चीज़ें कत्ल करते हो, तो क्या आपकी बीवी और आपके जिनके लिए आप ये कमाते हो, ये शिकार करते हो, तो क्या आप ये आपके पाप में भागीदार होंगे? तो उन्होंने कहा मैं अभी पूछ के आता हूँ, मैंने ये स्टोरी पढ़ी है। तो वो पूछने गई तो उन सबने कहा कि नहीं, हम आपके पाप में भागीदार नहीं होंगे। तो उसी वक्त से उन्होंने वो सारी चीजें छोड़ दी और वो साधु संत बन गए और उन्होंने रामायण लिखी, और आज हम भगवान राम को जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ भगवान वाल्मीकि जी। तो मेरी ये एक उदाहरण था, किसी को चोट पहुंचाने का मेरा कोई भी मतलब नहीं था। आपने बयान था, आप कायम है या अभी आप उससे माफी मांगते हुए अपनी क्षमा याचिका कर रहे हैं? मैं माफी इसलिए नहीं मांगती हूँ कि मैं कोई गिल्टी हूँ या मैंने कुछ गलत बोला, मैं माफी इसलिए मांगना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मैंने वाल्मीकि समाज के लोगों को अगर मेरी वजह से कहीं से भी थोड़ा भी हर्ट हुआ है, तो मैं माफी मांगती हूँ उस बात के लिए।